हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं मैक्रोबायोलॉजी का पहला यूनिट का आखिरी टॉपिक, और इसके अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बाद आप इस यूनिट के मॉडल क्वेश्चन पेपर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल मॉडल क्वेश्चन पेपर बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं, जिसे आप केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके उनके लिंक को क्लिक करके इजिली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यह है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमने टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप देखा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, बट आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इटसेल्फ। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ माइक्रोस्कोप, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप कवर्ड, तो आप इसको समझिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उसके दो तरीके होते हैं, पहला होता है टेम और दूसरा होता है सेम। अब ये टेम क्या है और सेम क्या है ये तो आप जान जाएंगे, लेकिन आज के इस पर्टिकुलर पार्ट में हम बात करेंगे टेम और सेम के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड उनके फंक्शन और रे डायग्राम के बारे में बात नहीं करेंगे। पहला सेक्शन होगा आपका टेम का। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेम? टेम कहने का मतलब होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए TEM और SEM में दो वर्ड बहुत कॉमन है, दैट इज EM। EM ऑब्वियसली स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब T और S का मतलब होता था, T मतलब हो गया आपका ट्रांसमिशन और S का मतलब हो जाएगा आपका स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। तो इन दोनों को समझना है तो दो लाइफ के एग्जांपल कंसीडर करने पड़ेंगे। क्या आपने कभी फोटोकॉपी मशीन देखी है या कभी आपने स्कैनिंग मशीन देखी है? आजकल तो दोनों एक साथ आते हैं 3-in-1 के कॉम्बिनेशन में। सो ये फोटोकॉपी मशीन काम कैसे करती है? अगर आपने कोई पेपर रखा हुआ है जिस पे अगर कुछ लिखा हुआ है, तो इस पेपर को हम उल्टा उस मशीन के ऊपर रख देते हैं, मशीन को बटन चालू करते हैं, वो एक लेजर निकलती है और उसके बाद आपकी एक्सरोस्कोपी साथ में निकल आती है। और अगर आपने स्कैनिंग मशीन को देखा होगा उसी मशीन में, तो उसके अंदर सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग फीचर्स होते हैं। ये एग्जांपल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा समझने के लिए। सो जब हम कभी स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट को, तो दो तरीके की स्कैनिंग होती है। एक जस्ट नॉर्मल स्कैनिंग, जो मिनिमम DPI पे सेट होता है, यानी कि बहुत फास्ट तरीके से स्कैन हो जाएगा, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो स्कैनिंग है, उसकी जो पिक्सल है, रेजोल्यूशन है, वो सही नहीं होगी। उसको जैसे ही आप बड़ा करते जाएंगे, तो वो जो पिक्सल है वो ब्रेक होने लगेगी, फटने लगेगी इमेज। दूसरा होता है मैक्सिमम से बीच, मतलब या तो आप मैक्सिमम यूज करें, बहुत टाइम लगेगा लेकिन उसमें, या तो उसके बीच का कोई यूज करें, लाइक 350 से ऊपर के DPI पे स्कैन करते हैं। तो जितना DPI आप सेट करते जाएंगे, उतनी धीरे धीरे स्कैन होती जाएगी और एक आवाज आती जाएगी। तो आप देखेंगे जो लाइट का मूवमेंट है, वो धीरे धीरे उस पेपर के ऊपर से होकर गुजरता रहता है, यानी कि वो उसको स्कैन करने की कोशिश करते हैं कि लिखा क्या है। तो लिखे हुए को स्कैन करके हम उसको प्रिंट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल एग्जांपल अगर आप कंसीडर करना चाहें, तो आजकल आपके मोबाइल में एक स्कैनर तो होगा ही, कोई एडोब स्कैनर होगा या फिर कोई और अजर स्कैनर होंगे। तो वहां पे आप पेपर को रखते हैं, ऊपर से स्कैन करते हैं, तो वो पूरा फोटो आपकी खींच जाता है। वहां पे फोटो कॉपी कोई लेजर लेस पार वगैरह यहाँ पे नहीं हो रही होती, ऊपर से ऊपर हम लोग उसको लेकर के रखते हैं। तो ये हमारी स्कैनिंग को रिप्रेजेंट करती है। जबकि अगर हम बात करते हैं टेम यानी कि ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन का मतलब ही यही है कि जहां पे रेस ट्रांसमिट हो रही होगी, मतलब किसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू होता हुआ नीचे गुजर रहा होगा, वहां पे हम उस चीज को समझ सकते हैं। एग्जैक्टली मैं तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा डमी या उसका एग्जाम्पल, बट मैं थोड़ा सा इसको मिमिक करने की कोशिश करता हूं। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। आजकल बहुत कम लोग इस चीज को यूज करते हैं, जैसे सिंपल अ कार्बन पेपर। क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि आजकल फोटोकॉपी का जमाना आ गया है, कौन इसको यहां पे एक पेपर के नीचे दूसरा पेपर रख करके लिखेगा। लेकिन बहुत समय पहले की बात है, ये हमने शायद यूज किया था बचपन में, कि अगर आप किसी कॉपी का कई सारे कॉपी बनाना चाहते हैं, तो हम उसके नीचे कार्बन पे कार्बन रखते हैं, जितनी ज्यादा आप उसको गड़ा के लिख सकते हैं उसके हिसाब से। सो यहां पे देखिए, मैंने नीचे में एक पेपर रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने एक कार्बन रखा हुआ है और उसके ऊपर मैंने एक व्हाइट पेपर और रखा हुआ है। सो अगर हम बात करते हैं टेम को समझने के रिस्पेक्ट से, नॉट एग्जैक्टली टेम का प्रिंसिपल ये नहीं है, समझने के हिसाब से, तो यहां पे अगर मैं कोई भी चीज लिखता हूं, कोई भी चीज अगर डायग्राम ड्रॉ कराता हूं, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ करा है वो इसके ऊपर ड्रॉ किया, लेकिन जब ये पेन मैं यूज कर रहा हूं, तो पेन में कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जो प्रेशर आपके पेपर पे पड़ रहा है, और पेपर का प्रेशर पीछे के कार्बन पे ट्रांसफर हो रहा है, और उस कार्बन के पीछे जो इंक लगी हुई है वो इंक डिस्प्लेस होकर के नीचे के पेपर पे आ रही है। तो जितना ज्यादा डार्क करेंगे उतना ज्यादा क्लियर में जाएगी। जैसे ये ऊपर वाला देखिए, यहां पे मैंने बिल्कुल भी उसको प्रेशर नहीं लगाया, जस्ट एक हल्का सा टच किया और इसको मैंने लगाया था। अब दूसरा देखिएगा, यहां पे मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया है, अब यहां पे पूरा प्रेशर लगा। तीन इमेज पहला देखिए, फर्स्ट वन इज नो प्रेशर, एकदम लाइट प्रेशर, बिना प्रेशर के चले गए नहीं। दूसरा है थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर, और तीसरे में मैंने काफी ज्यादा प्रेशर लगाया है, और चौथे में तो आप देखिए पूरा प्रेशर मैंने इतना पॉसिबल है मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये तीन चीजें आपने देखी। अब इन तीन चीजों को हम लोग ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर हुआ क्या होगा। तो सबसे पहला ऊपर का पेपर है, ये तो ऑब्वियसली है, इसे ही हम देखते हैं। पहले इसको पीछे पलटता हूं मैं, तो आप
इन तीनों को बड़ी सावधानी से देखिए। सबसे कम वाले प्रेशर पे तो आपको पीछे इंबोसिंग नजर नहीं आ रही होगी, कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा होगा क्योंकि प्रेशर ट्रांसमिट नहीं हुआ, जबकि ये वाले में आपको दूर से भी अच्छे से नजर आ रहा होगा, आप इन चीजों को देख सकते हैं। तो इसका जो प्रेशर है वो बेसिकली आपके इस कार्बन पेपर पे पड़ा होगा और कार्बन के पीछे देखते हैं कि काफी सारी कंसंट्रेटेड इंक होती है पेस्ट के फॉर्म में, तो वो जहां पे पड़ते जाएगा डिस्प्लेस होता जाएगा। तो इसको अगर मैं हटा दूं तो बहुत आसानी से आंसर आपके सामने है। आप देखिए पूरे आंसर में यहां पे जो मैं लगाया था, ये आप टैली करिएगा इसको, यहां पे मैंने एक फोटो बनाया था, इसका इमेज आपको बहुत ज्यादा दिख ही नहीं रहा होगा, अगर एकदम ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो हल्का हल्का समझ में आ रहा है, जबकि दूसरे वाले पे मैंने नॉर्मल ऑप्टिमम प्रेशर लगाया था जैसा कोई व्यक्ति लिखता है, यहां पे प्रेशर आया, तीसरे पे ज्यादा लगाया था और इस सर्कल पे जो मैंने रैंडमली क्लिक किया था देखिए कितना ज्यादा डार्क आया हुआ है। तो ये एक ट्रांसफर हो रहा है, एक ट्रांसमिट हो रहा है आपके ऑब्जेक्ट से और यहां पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बन रही है। यही है काम करने के तरीके, नॉट एग्जैक्टली प्रिंसिपल लेकिन समझ में आ जाए इसलिए हमारे टेम का। तो ये हो गया उसका पूरा नाम। देखिए वर्किंग क्या कहता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को बम्बार्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बम्बार्डिंग करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन सोर्स की आवश्यकता होगी, तो इलेक्ट्रॉन सोर्स हम लोग लेते हैं, उसमें टंगस्टन के फिलामेंट लेते हैं जिसमें हम लोग करंट अप्लाई करेंगे अगर, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन बीम को इमिट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन बीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये नॉर्मल लाइट की तुलना में इनका जो वेव लेंथ है वो काफी कम होता है, जिसकी वजह से वो अच्छा रेजोल्यूशन दे सकता है, स्कैटरिंग कम होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्डिंग होगा वो अल्टीमेटली आपके स्पेस सीमेंट पे पहुंचेंगे, जिसका इमेज आप बना करके देखना चाहते हैं, जिसकी फोटो आप देखना चाहते हैं। तो इस इमेज पे मतलब उस स्पेसिमेन पे जब ये लाइट पड़ेगी आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो कुछ हद तक स्कैटर्ड भी होगी, कुछ ट्रांसफॉर्म भी होगी, कुछ एक्सरे के फॉर्म में इमिट हो जाएगी, दैट इज नॉट आवर टॉपिक राइट नाउ, बट मेन चीज ये है कि कुछ तो वहां से ट्रांसमिट होकर के आगे जाएगी, जिसको हम लोग आगे जाकर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडेंसर की मदद से यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से विजुलाइज कर सकते हैं और फाइनली इस ट्रांसमिटर्स का हम लोग इमेज क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पररी इमेज प्रोजेक्टर पर नजर आएगा, परमानेंट इमेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक को यूज करते हुए आपके सिस्टम पे स्टोर हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल सी बात हुई। अगर मैं बात करूं इनके स्टेप्स की, तो स्टेप्स को हम लोग सिंपल सिंपल कैटेगरी में क्वालिफाई कर सकते हैं। पहला होगा देखिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा आपके पास कंफर्टेबल लेवल हो। इलेक्ट्रॉन गन हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन के बारे में भी बताया था कि एक ऐसा गन जिसको अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो वो अपने अंदर से टंगस्टन फिलामेंट को यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन चालू करने पे गन के यानी कि बुलेट के फॉर्म में क्या निकलेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन बीम को हम गुजारते हैं एक ऐसे कॉलम से जिसमें कई तरह की असेंबली होती है और इस असेंबली में होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। नाउ मैंने समझा चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक लेंस का सिस्टम बनेगा जो कि कंडेंस करने का, जो कि फोकस करने का काम करेंगे, जो स्कैटर्ड हो रहे होंगे अलग सर्कुलर वे में, इसको एक फोकस वे में लेके आने की कोशिश करेंगे और इन एक्सेलरेटेड को, इन इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेट करने के लिए आपको हाई वोल्टेज की यानी कि एक्सेलरेटेड थ्रू हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। जितना ज्यादा हाई वोल्टेज होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। और इसको कैसे समझ सकते हैं, यहां पे समझ सकते हैं, जितना ज्यादा प्रेशर आपने अप्लाई किया है उतना ही ज्यादा क्लियर इमेज दिख रहा है आपको। सो यहां पे प्रेशर की जगह हम लोग इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वहां पे वोल्टेज को यूज किया जा सकता है। आगे देखिए इसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर लेंस, दिस आर द पार्ट ऑफ द सेम पार्टिकल, यहां पे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कंडेंसर लेंस यूज हो रहा है। नाउ व्हाट इज अ कंडेंसर लेंस, जैसा हमने आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था बिल्कुल वैसा ही यह प्रिंसिपल है, पार्ट्स अलग हो सकते हैं, लुक अलग हो सकता है। कंडेंसर लेंस मतलब एक ऐसा लेंस जो कंडेंस करने का काम करे, जो इधर उधर मूव कर रहे होंगे उनको एक पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस करने का काम करे, वो आपका कंडेंसर लेंस कहलाता है। अब जब वहां से गुजरेगा तो ये जो बीम है वो फोकस हो जाएगा, किस पे फोकस हो जाएगा, एक स्मॉल पोर्शन या स्मॉल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन की। जैसे अगर इसी को भी ले लें, ये एक स्पेसिमेन है, अगर आप लाइट की बम्बार्डिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कर रहे हैं, तो जितना आपकी फोकस पॉइंट है, जितनी आपने उसको रेंज सेट किया हुआ है, उसके पूरे के पूरे पे पहुंच जाए ये तो शायद पॉसिबल नहीं है, वो एक पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस होगा। सो दिस स्पेसिमेन विल अलाउ द इलेक्ट्रॉन बीम टू पास थ्रू और उसके कारण से क्या होगा, देखिए ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमन, जब उस पे पड़ेगा जितने पे पड़ेगा उतने पे ट्रांसमिट होगा और ये देखेगा। एक एग्जांपल हम और समझ सकते हैं, अगर आपके पास ही होगा तो, आप लोगों ने ट्रांसपेरेंसी देखी होगी,
एक पतली प्लास्टिक की फिल्म आती है और अगर उस ट्रांसपेरेंसी में मैं सब तरफ पूरा ब्लैक पेंट कर दूं और बीच में कोई ऑब्जेक्ट का डायग्राम बना दूं ट्रांसपेरेंट और उसके ऊपर पीछे से लाइट की बम्बार्डिंग हो, तो ट्रांसपेरेंट के थ्रू ही लाइट गुजर पाएगा, जो पीछे का या अगल बगल में आपने डार्क किया हुआ है वहां से नहीं पहुंच पाएगा। तो इसी चीज को हम यहां पर समझ सकते हैं। सो फाइनली क्या होगा, स्पेसिमेन से गुजरेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ेंगे और आपका जो इमेज था वो मैग्नीफाई हो जाएगा। बेसिकली इमेज मैंने वर्ड यूज इसलिए किया है क्योंकि इमेज तो ऑलरेडी आपका बन चुका है आपके इस ऑब्जेक्टिव लेंस में, तो उस स्पेसिमेन का अब फाइनल वर्जन इमेज के फॉर्म में हमारे पास है। तो ये हो गया उनके स्टेप्स जैसे जैसे हम लोग फॉलो करते हैं। फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो उसको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रे डायग्राम है, गूगल में सर्च करेंगे इजीली आपको मिल जाएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम इज ट्रांसफर्ड टू द स्पेसिमेन विद हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट एक्सेसरीज असेंबलीज। तो इनमें से कुछ तो आपके रिबाउंड हो जाएंगे, तो हमारे ये काम के नहीं है। कुछ इस स्पेसिमेन के थ्रू होकर गुजरेंगे जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, तो ये हमारे काम के हैं। इनको हम लोग फोकस करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू देखेंगे और वही पहले वाला इमेज हमारे पास आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्या कहते हैं। पहला पॉइंट कहता है इलेक्ट्रॉन बीम partially transmitted which will give the complete information regarding the structure of the object or specimen which you have placed inside the microscope। यानी कि जो light की किरणें आपके specimen से पार होती हैं वो आपके उस object का उस specimen का एक structural image आपको view करवाती हैं जिसको आपने देखने के लिए रखा हुआ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है एंटायर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मस्ट बी केप्ट इन अ वैक्यूम अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग और जस्ट बिकॉज ऑफ कोलिजन विच में अट्रैक्ट और विच में डिस्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सो यहां पे फोकस की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। मतलब ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो वैक्यूम में होना चाहिए, नहीं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो स्कैटर्ड हो जाएंगे या उस ऑक्सीजन में या उस एयर में प्रेजेंस जो भी आपके माइक्रोस्कोप के आसपास होंगे उसके साथ कोलेजन करके वो अपना जो मूवमेंट है वो खराब कर देंगे, जिसकी वजह से आपको फोकस नहीं मिलेगा। और जब फोकस नहीं मिलेगा तो फिर हमारा जो पर्पस है इमेज को विजुलाइज करने का वो सॉल्व होगा ही नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, स्पेसिमन मस्ट बी कंप्लीट ड्राई। In our previous video, we have discussed about the different steps required in the preparation of specimen. So, as per that particular rule and steps, we must keep our specimen completely dry. That process is known as a dehydration and fixation. So, यहाँ पे हम पूरी तरह से water को remove करेंगे आपके object से, तब जाकर के उसको आप easily observe कर सकते हैं। Next one says the contrast can be enhanced by, अगर हम बात करते हैं contrast की, अगर आप clear से clear image observe करना चाहते हो, तो उनको enhance किया जा सकता, उनको बढ़ाया जा सकता है by staining with different types of salt of heavy metals। हमने डिस्कस भी कर चुका है heavy metal like uranium, इनके salt को use करके हम इनके जो contrast है उनको increase कर सकते हैं। And this heavy metal can be fixed on either on the object or behind the object। इसका मतलब क्या होता है वो आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। स्टेनिंग में आप उस heavy metal की staining को object पे stain करेंगे तो वो positive staining कहलाएगा। प्लस माइनस वाला पॉजिटिव नहीं है, सामने या पीछे वाला पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर उसको हम बैकग्राउंड को स्टैंड करते हैं तो वो नेगेटिव कहलाएगा। जैसे कि ये अगर मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, इस पर मैं कोई व्हाइट पेन से कुछ लिख दूं तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर इस व्हाइट लिखी हुई चीज को मैं रेड कलर से डार्क कर दूं तो ये पॉजिटिव कलर है क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को किया है। लेकिन अगर व्हाइट पे नहीं दिख रहा है तो मैं पीछे के बैकग्राउंड को कलर कर दूं और इसके ऊपर व्हाइट लगा लूं तो वो आपका नेगेटिव कलर है क्योंकि आपने बैकग्राउंड को कलर किया हुआ। ये पढ़ेंगे आगे वाला यूनिट में। तो ये हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने बात किया TEM, that is transmission electron microscope। Now in this video only अभी हम बात करने वाले हैं दूसरे और आखिरी SEM, scanning electron microscope का। तो चलिए मूव करते हैं सेकेंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन में। अगला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का टाइप है SEM, SEM, और इस SEM का पूरा नाम होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी कि एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को स्कैन करके उसका एक क्लियर इमेज बना रहा होगा। यहां पे आपके TEM की तुलना में कुछ बेसिक अंतर होंगे जिसको हम लोग देखेंगे भी, लेकिन एक चीज का याद रखिए, स्कैन का मतलब होता है सुपरफिशियली स्कैन करना, सरफेस सरफेस पर स्कैन करना। जैसा मैंने आपको फोटोकॉपी का मशीन का एग्जाम्पल दिया था, स्कैनर का एग्जाम्पल दिया था, और हमारी
हमारी आंखें भी कुछ चीजों को स्कैन करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों ने किया होगा, देखा तो हम लोगों ने है, जब कभी भी आपके सेशनल एग्जामिनेशन होते हैं, क्लास टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, तो जिस बच्चे को कोई आंसर अच्छे से नहीं आ रहा होता है वो अपने अगल बगल आंखों को इस तरह से मूव करके स्कैन करने की कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर यानी कि उनकी कॉपी में लिखा क्या है। तो एक प्रकार से स्कैन का मतलब हुआ सुपरफिशियली उन चीजों को गैदर करना, उनको इंफॉर्मेशन को गैदर करना और इमेज के रूप में कन्वर्ट करना। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है सेम टाइप का, वो बेस करता है एक प्रिंसिपल पे जिसमें आप देखेंगे यूटिलाइज करता है इलेक्ट्रॉन को दैट हैव बीन बाउंस्ड ऑफ द सरफेस ऑफ स्पेसिमेन। जैसे कि अगर ये कोई स्पेसिमेन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन जैसा कि आपने टेम में देखा था ट्रांसमिट हो जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से बाउंस बैक हो जाएंगे। तो ये जो आपका बाउंस ऑफ होने वाला इलेक्ट्रॉन है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो कि रिलीज हो रहे हैं आपके उस स्पेसिमेन से जस्ट बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे इनको हम सुटेबल डिटेक्टर से डिटेक्ट करने के बाद उनका इमेज बना लेंगे। यहां पे दो बेसिक अंतर मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। अगर हम बात करते हैं TEM TEM की तो वहां पे जो इमेज बनता है उसमें हम आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेसिमेन को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसी को आपके सेम के साथ तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इन केस ऑफ सेम हम उस इमेज को एक थ्री डायमेंशनल वे में बनाते हैं सुपरफिशियली, बाहर का जो एटमॉस्फेयर कंडीशन है, बाहर का जो आर्किटेक्चर है, इसके हिसाब से उसका एक 3D इमेज बनाते हैं। सो इंटरनल स्ट्रक्चर यहां पे हम विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लें जिनका जानना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सो पहला कहता है यूज फॉर स्टडी ऑफ सरफेस आर्किटेक्चर ऑफ द स्पेसिमेन रेदर देन द इंटरनल स्ट्रक्चर एज आई हैव एक्सप्लेन यू रेस्ट राइट नाउ कि हम इस माइक्रोस्कोप को यूज करके केवल सरफेस की स्टडी कर सकते हैं कि कैसे सरफेस दिखता है, उसका थ्री डायमेंशनल वे में अगर हम डायग्राम प्लॉट करना चाहें तो कैसा बनेगा, उस सैंपल का उस स्पेसिमेन का आर्किटेक्चर कैसा है ऊपर में अगर हम देखें तो इसकी स्टडी इस माइक्रोस्कोप से करते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है प्रोवाइड थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि अगर हम किसी स्पेसिमेन को, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो उसका हम थ्री डायमेंशनल वे बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो ऑब्वियसली कहता है कि जो बाउंस ऑफ हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन उनको हम बना रहे हैं। तो एक प्रकार से थ्री डायमेंशनल वे का जो प्रिंसिपल है वो यही तो है, इसलिए हम उसका थ्री डायमेंशनल वे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रोवाइड्स इमेज बाय डिटेक्टिंग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन विच आर एमिटेड बाय द सर्फेस ऑफ द स्पेसिमेन ड्यू टू एक्साइटेशन बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे पास कुछ एग्जाम्पल थे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं उसको एक्सप्लेन बिना एग्जाम्पल के करता हूं ताकि फ्यूचर में कभी आपको जरूरत पड़े तो उसका डेमो वीडियो बना सकें। अगर हम बात करते हैं सिंपल सी एक बॉल की, टेनिस बॉल की अगर हम बात करते हैं, तो उस टेनिस बॉल को अगर यहां पे हम पुश करें जोर से आपकी जमीन पे तो थोड़ी देर बाद वो बाउंस बैक होकर के हमारे पास आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये उस प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करता है, लेकिन मैं बाउंस बैक का समझाना चाह रहा हूं आपको। दूसरा, अगर आपके घर में कई बार लॉकडाउन में ये चीजें की भी है, हम लोगों ने थाली के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट से आप उसको पीटते हैं तो एक वाइब्रेशन फील करते हैं, एक साउंड फील करते हैं। सो वहां पे जो वाइब्रेशन है वो एक्साइटमेंट की वजह से वहां पे निकल रहे हैं। सो इसी तरीके से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे आपके इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करें और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन इज हाईली एक्सीलरेटेड विद प्रोवाइडिंग हायर वोल्टेज कैपेसिटी, तो वहां पे जो आपके इलेक्ट्रॉन बम्बार्डिंग हो रही है ऑब्जेक्ट पे, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। वंस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन अटैक द सर्फेस ऑफ स्पेसिमेन देर इज अ जनरेशन ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ स्पेसिमेन सो दैट आफ्टर जनरेशन ऑफ दिस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन वी मे कलेक्ट सच इलेक्ट्रॉन और उसको हम लोग डिटेक्टर की मदद से इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही बात यहां पे भी कह रहा है कि ये पूरी तरह से जो बाउंस बैक हो रहे हैं उनके हिसाब से है। सो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन दिस प्रोसेस, लेट मी सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहला है एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखें, इलेक्ट्रॉन गन को हम यूज करते हैं। ऑल्दो दिस इज सेम नॉट टेम बट है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन एज अ इल्यूमिनेशन सोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, सो दैट वी हैव टू यूज इलेक्ट्रॉन गन जस्ट टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन बीम। ये इलेक्ट्रॉन बीम जब प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन गन से तो इसको हम एक्सेलरेट करते हैं, इस एक्सेलरेशन के कारण से उनकी जो रेजोल्यूशन है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए आगे जाकर के इन इलेक्ट्रॉन बीम को जो कि एक्सेलरेटेड हो चुके हैं इनको हम कंडेंसर लेंस से गुजारते हैं, और कंडेंसर लेंस जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है एक ऐसा लेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के एक सेट का बना हुआ जो कि आपके इस इलेक्ट्रॉन को एक जगह पे फोकस करता है। सो
आफ्टर मूविंग थ्रू द कंडेंसर लेंस दिस विल फोकस ऑन द स्पेसिमेन, और जब स्पेसिमेन पे फोकस होगा तो वो पर्टिकुलर पार्ट पे स्पेसिमेन पे वो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग हो रही होगी, और जो स्पेसिमेन के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे होंगे दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, वो निकल रहे होंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप से द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम नॉक इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द स्पेसिमेन, जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम पड़ेगा तो उस सर्फेस पे ये नॉक करेंगे जिसकी वजह से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हो रहा होगा, कहां से, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ स्पेसिमेन। सो दिस कॉज द रिलीज ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ने नॉक किया तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, वापस से वही चीज आ जाएगी, कहां से, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकल कहां रह रहे हैं, वो सरफेस ऑफ स्पेसिमेन से निकल रहे हैं। नाउ देखिए इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन विच हैज बीन जनरेटेड या विच हैड बीन रिलीज बाय द स्पेसिमेन इज डिपेंड्स ऑन द शेप एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द स्पेसिमेन, जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो आपके स्पेसिमेन के शेप और उनके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हैं। सो अगर कोई केमिकल सब्सटेंस बहुत ज्यादा अलग कंडीशन में, डेंस कंडीशन में, तो उनका इलेक्ट्रॉन जो सेकेंडरी निकलेंगे वो अलग होंगे, शेप अलग होगा तो ऑब्वियसली अलग निकलेगा, क्योंकि शेप के हिसाब से तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा, शेप का तो पूरा खेल है 3D में, अगर 3D में ही हम शेप को समझ पाते हैं, क्योंकि कई बार आपने मूवी देखी होगी तो अगर नॉर्मल मूवी है 3D नहीं है तो आप उसके डेप्थ को नहीं महसूस कर पाएंगे, लेकिन जब 3 डायमेंशनल वे में चश्मा पहन करके आप देखते हैं तो उसकी डेप्थ, उसकी विड्थ, उसके हर एक आयाम को 3 डायमेंशनल वे में आप आसानी से देख सकते हैं, तो वो किस स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे वो डिटेक्टर के द्वारा कलेक्ट होंगे, और जो डिटेक्टर कलेक्ट करेगा उनको आगे जाकर के वो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, जनरेट करेगा सिग्नल को, और इन्हीं सिग्नल को हम लोग यूज करके स्कैन करके देखें, दिस सिग्नल आर स्कैन सो दैट वी मे प्रोड्यूस द इमेज ऑन कैथोड रे ट्यूब, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CRT ट्यूब, तो इस ट्यूब के द्वारा हम उस इमेज को कैप्चर कर सकते हैं, टेम्पररी इमेज प्रोजेक्शन के थ्रू देख सकते हैं, और जो परमानेंट इमेज है वो हम अपने सिस्टम पे भी मूव करा करके सेव कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक प्रिंसिपल हो गया। एक जानने लायक चीज यहां पे भी है कि ऐसा नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम पड़ रहा होगा तो उससे केवल सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बीम रिवर्स हो रहे होंगे, रिलीज हो रहे होंगे, रिबाउंड हो रहे होंगे, प्राइमरी पे कुछ नहीं हो रहा होगा, ऐसा नहीं है, कुछ हद तक लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जो कि असर कॉज करवा दे उतनी कैपेसिटी नहीं है, बट कुछ वे में, कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट में आपके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन भी बाउंस बैक होते हैं, दिस इज वेरी लेस इन क्वांटिटी, सो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट आवर इमेज स्टेबिलाईजेशन और रेजोल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर स्पेसिमेन, सो इसलिए उनकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो यह था हमारा आज का आखिरी टॉपिक ऑफ द फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमने बात किया टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट मे बी आइदर सेम और टेम। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वीडियो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस पूरे यूनिट के सारे टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर योर PCI सिलेबस, जिसमें आपका MCQs कवर होगा 20, लेकिन मैं यहां पे 30 आपको डिस्कस करूंगा, प्लस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस पूरे PDF को आप इजिली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना होगा। अगर आप आज ही चेक कर रहे हैं जिस भी दिन वीडियो अपलोड हुआ है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो मिलेगा, लेकिन अगर आप बाद में चेक कर रहे हैं तो उसको आज से यहां से भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।